हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिंपल कटारिया, यहाँ पे आपको नवी कक्षा गणित विषय का वर्कशीट नंबर 18 जो आज 16 अगस्त 2021 को मिल रहा है वो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रा लाइक कर दीजिए। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम इसमें घातांक के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। घातांक क्या होता है, जैसे कि मतलब अगर कोई संख्या एक से ज़्यादा बार आती है, जैसे अब आप यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे कितनी बार गुना हो रहा है, 7 बार, तो आप 5 के ऊपर 7 लिख देंगे तो 7 उसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक है, तो 5 की घात 7 में ये जो 5 है जिसके ऊपर आप घात लगा रहे हो वो तो आपका कहलाता है आधार, और जो आप घात लगाते हैं ऊपर लिखते हैं वो आपकी कहलाती है घातांक। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 6 है और 6 की घात 3 लिखूँ तो 6 क्या हो जाएगा, आधार, और 3 क्या हो जाएगी, उसकी घात। ठीक है, अब हमारे पास घातांक के कुछ नियम हैं, इनको हम दोहरा लेते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहला नियम है कि जब हमारे पास दो संख्या इस तरीके से गुना हो रही हैं जिनका आपके पास आधार बराबर होता है तो वो उनकी जो घातें होती हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है, और अगर अब यहाँ पे एक ही संख्या है और इस पर 2 बार घातें लग रही हैं तो घातें आपस में गुना हो जाती है, जैसे m गुना n। और अगर दो घातों मतलब दो संख्याओं का भाग दे रहे हैं तो उनकी घातें घट जाती है। ध्यान रखिएगा, जब आप गुना करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, जब आप भाग देते हैं तो घातें घट जाती हैं। ठीक है, और जब घातें गुना होती है तो गुना हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें घातें गुना तो हो रही है लेकिन यहाँ तो आधार कैसा है, एक ही है, तो एक ही घात एम एन हो गया, लेकिन यहाँ पे आधार अलग अलग है तो यहाँ पे आधार गुना होंगे। ठीक है, ए गुना बी, और दोनों की घात क्या रह जाएगी, एम। पांचवा नियम है एक ही घात 0 जिसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे साथ साथ इसके एक ये भी जानते हैं कि 1/1 n है तो उसका मान 1 घात -n होता है, यानी कि जब घात बटे में आ जाती है तो अंश में आप लिखोगे तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1/3 की घात 5 है तो आप क्या लिखोगे, 3 की घात -5। ठीक है, और इसी प्रकार से उल्टा भी कर सकते हो, देखो 5 की घात -2 है तो आप लिख सकते हो उसको 1/5 की घात 2। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे प्रश्न है उनको देखो। पहला प्रश्न है 17 की घात 2 × 17 की घात 5। बच्चों, दोनों में आधार आपका कैसा है, बराबर है। ठीक है, तो और ये संख्याएं आपस में क्या हो रही है, गुना हो रही हैं, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5 7। ऐसे ही 5 है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 5 है तो इनकी घातें आपस में क्या हो रही हैं, गुना हो रही है, तो 7 × 2 = 14। अब 9 की घात 10/9 की घात 4, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप भाग दे रहे हो तो यानी कि घातें घट जाएंगी, तो 10 में से 4 हो गया तो कितना बचा, 6। ऐसे ही अगला प्रश्न देखो, 3 की घात 4 × 5 की घात 4, घातें तो समान है परंतु इनके आधार अलग अलग हैं, तो इनके जो आधार है वो आपस में गुना हो जाएंगे, तो 5 × 15 और उसकी घात 4। अगले प्रश्न में 11 की घात 0 है, और जब भी किसी की घात 0 होती है तो उस संख्या का मान 1 होता है, तो ये क्लियर हुआ। अब जो यहाँ पे हमारे पास वर्गमूल और घातांक घनमूल की हम बात कर रहे हैं, वो भी घातांक के रूप में। जैसे देखो वर्गमूल, वर्गमूल में आप क्या करते हो, वर्ग करते हो, वर्ग का मतलब किसी संख्या को 2 बार गुना करते हो। ठीक है, तो जब आप इसका वर्गमूल लिखोगे तो आप क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं करनी का चिन्ह, तो 5 के ऊपर आपने ये चिन्ह लगाया तो इसका मतलब हुआ 5 का वर्गमूल, लेकिन आप इसे घात के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो 5 की घात 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही घनमूल की बात करें तो घनमूल में आप करनी का चिन्ह तो लगाएंगे ही और उसके ऊपर में 3 भी लिखते हैं। ठीक है, और जब आप घात के रूप में बात करेंगे तो घात में आप क्या करते हैं, 5 लिखेंगे और उसकी घात क्या करेंगे, 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने देखा घनमूल है, ठीक है, तो घनमूल में हमने क्या किया, घनमूल में यहाँ पे 3 था तो जो भी संख्या आपने लिखी, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं a लिख लेती हूँ यहाँ पे, तो जो भी आपने संख्या लिखी उसके बटे में यहाँ पे ऐसे घात आ गई है। ठीक है, और ऐसे ही अगर यहाँ पे n होता तो ये क्या हो जाता, a, और जिसकी घात 1/n, तो ये हमारे पास एक सूत्र बन जाता ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आप इसकी पावर लगा देते, यानी कि ये जो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास एक मूल निकालने का जो सूत्र है, इसमें अगर इसकी घात m कर देते तो इसका मतलब ये होता है कि आप 1/n को भी क्या कर रहे हैं, m से गुना कर रहे हैं। ठीक है, और 1/n को m से गुना कर रहे हैं तो ये आपके पास आएगा 1 की घात m/n। ओके बच्चे, अब यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न हैं, इनको हम घात के रूप में लिखते हैं। जैसे सबसे पहले है √7, √7 है यानी कि 7 की घात हो गई 1/2। 11 है तो इसकी घात 1/3। अब ये है √5, तो √5 को तो हम 5 की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है जी,
और अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 से गुना और हो रही है, तो अब आप इसको 3 से गुना और कर देंगे। तो जब हम 1/2 को 3 से गुना करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की घात 3/2। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न 13 है और 13 की घात कितनी हो गई, अब 1/3, लेकिन गुना किससे हो रहा है, 5 से, तो आप लिखेंगे 13 और इसकी घात 5/3। ये हो गया आपका ये वाला प्रश्न। अब जैसे हमारे पास एक और संख्या है 4 की घात 2/3, हम इसका सरलीकरण सीख रहे हैं, 3/2 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात 1/2 पहले और लिख सकते हैं 3 को बाहर, यानी कि 4 की घात 1/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यानी कि 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो 2 की घात बची कितनी, 3, और 2 की घात 3 का मतलब है आप 2 को 3 बार गुना कर रहे हो, तो 2 × 4, 4 × 8, ये उत्तर आया। लेकिन अभी तो आपने 3 को बाहर निकाला था, लेकिन अगर हम 3 को बाहर ना निकालें तो हम बाहर निकालें 1/2 को, आप किसी को भी बाहर निकाल सकते हो, उत्तर बराबर आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप वैसे कीजिएगा। तो 4 की घात 3 ली, 1/2 को बाहर निकाला, 4 की घात 3 यानी कि 4 × 16, 16 × 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 8 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास कुछ और प्रश्न है, हम इनको समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, 2 की घात 2/3 × 2 की घात 1/3, यहाँ पे दोनों के आधार 2 ही हैं, तो इनकी घातें जुड़ गई हैं और ये भिन्नों के रूप में जुड़ रही है, जिनका एलसीएम 3 आया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 2/3 है और प्लस में कितना है, 1/3, एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3/3 कितना हुआ, 1, यानी कि 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मान कितना हुआ, 2, समझ गए। अब दूसरा प्रश्न देखो, 3 की घात 1/5 है और फिर उसकी घात है 4, यानी कि 3 की घात 4/5, और अगर आप इसमें 3 की घात 4 को अंदर रखो तो 1/5 आप बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए अगला प्रश्न, 7 की घात है 1/5 और बटे में 7 की घात 1/3, आधार समान है तो ये दोनों घातें घट गई हैं, घटेंगी तो एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है, और एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 और 3 का 5 दिया 15, तो 3 − 5 किया तो −2/15 उत्तर आया, ठीक है। अगला प्रश्न, 13 की घात 1/5 × 5 की घात 1/5, तो यहाँ पे घातें तो समान हैं परंतु आधार अलग अलग है, तो ये दोनों आधार गुना हो जाएंगे, 13 × 5 = 65 और उसकी घात 1/5, ठीक है। अब और कुछ प्रश्न है, इनको देख लीजिए। जैसे पहला प्रश्न, 3 की घात 1/3 × 3 की घात 2/3, आधार इनमें समान है तो इनकी घातों को जोड़ दीजिए, और ये देखो ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया भी था जोड़ना, यहाँ पे आप देखो कैसे जोड़ रखा है ये वाला, ये देखो एक सेकेंड, यस, हाँ ये वाला देखो, ये 2/3 और 1/3 को ही तो जोड़ना बताया था, जिसका मान कितना आता है यहाँ पे जोड़ने पर, 3/3, और 3/3 यानी कि 3 की घात 1, तो इसका उत्तर कितना आया, 3। ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखो, 5 की घात 3 और फिर उसकी घात 1/5, तो ये जो घातें हैं वो गुना हो जाएंगी, तो 5 की घात कितना आएगा, 3/5। अगला प्रश्न, अरे आपने लाइक नहीं किया अभी तक, चलो जल्दी जल्दी से लाइक करो, आपको मैं इतने अच्छे से समझा रही हूँ तो आपका एक लाइक करना तो बनता है ना, चले करो। 5 की घात 2/5 है और इसमें फिर नीचे 5 की घात 1/5, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, ठीक है। एलसीएम कितना आया, 5, 2 − 1 ही रहेगा, तो 5, 2 में से 1 गया 1 और 5/2, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न, 2 की घात 1/9 × 3 की घात 1/9, घातें इनमें समान हैं तो आपके आधार यहाँ पे गुना हो जाएंगे, तो 2 × 6 और उसकी घात 1/9, ये आपका उत्तर आएगा। तो बच्चों ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट, मिलेंगे नई वर्कशीट पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।